हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। यार क्या बताऊँ यार, मतलब मैं कल रात को एडिटिंग किया, सब कुछ हो गया, मैं अपलोड को लगा दिया था, पर अभी तक ब्लॉग अपलोड ही नहीं हुआ। मतलब अभी अराउंड मैं अभी जस्ट उठा हूँ, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, हमको रात को सोने में अराउंड 4:30 बज गए थे सुबह के। प्रोसेसिंग 99%, मैं अपने वाईफाई पे लगाया था, वो चल नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं अभी G5 में आया हूँ, उनके वाईफाई पे लगा दिया है मैंने, तो देख लो। अरे यार टाइम लग गया इसको, तो इन दी एंड प्रोसेसिंग हो गया, वीडियो अपलोड भी हो चुका है। अच्छा, मतलब टेंशन आ गया था कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, तो प्रोसेसिंग HD प्रोसेसिंग भी हो गया, इतना जल्दी हो गया मेरे को इसका। ये हाथ पे थोड़ा हल्दी लग गया था और मसल स्ट्रेच हो गया था रात को, अंगूठे का, तो इसलिए। बाकी तो अब तो ठीक ही है, अब तो बस मसल। मॉर्निंग बर्थडे बॉय, चलो हम भी निकलते हैं, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। चलो ऑलरेडी फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ मैं, सब कुछ हो गया है, सारा बैग से भी पैक कर दिया, लैपटॉप वगैरह भी रख दिया मैंने बैग में। अब तो शाम को मैं बस में एडिट करूँगा, उसके बाद अभी ये थोड़ा सा ये बैग लेके जा रहा हूँ मैं, इसमें सारा सामान रख दूँगा, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ का भी सब कुछ साफ़ कर दिया, अब थोड़ा खाना खा के आ जाते हैं, दोपहर के अराउंड 2:30 हो रहे हैं हम भी। चलो डेविल भाई खाना खाएंगे। डेविल भाई इज इन स्लीप सो ही विल कम लेटर। नमस्ते जी भैया। मयंक क्या कर रहा है? खाने के लिए बुलाने आया मैं। चल चलो, क्यों नहीं गया? हाँ मैं नहीं गया इससे, तू नहीं गया, ये मस्त है। अभी तो आप क्यों नहीं गए? अरे सर तुम सब भी नहीं गए कॉलेज क्या? तो आज खाने में शिमला मिर्च और कॉलीफ्लावर की सब्जी और रोटी। मेरा भी तो देख, हाँ तो सेम ही होगा ना, दाल चावल। तुमने चावल लिया नहीं है वैसे भी? वहाँ पे देखो, वहाँ पे। अमित भाई क्या कर रहे हो? आओगे अंदर कॉकरोचेस? चलो खाना तो हो गया, चलते नीचे। मयंक क्या ब्लॉग देख रहे हो तुम? ये बेचारा अंतरिक्ष सारे काम करता है, इसलिए आ रहा है, इसको दूध लाने को भेजने को बोल रहा है, खुद जाए, खुद नहीं जा रहा। आर्या क्या कर रहा तू? चलो ठीक है, इसमें काम कर रहे हैं वो। चल चलते, मैं भी आता। अरे अंतरिक्ष दुकान ही बंद है। दूध तो ले लिया, तुम खाएगा? तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं। भाई भाई क्या ही गर्मी है यार। आर्या दूध, अरे मिला क्या ग्लास? तो ग्लास मिले तो बताना मेरे को, नहीं तो मेरा ले लेना। हाँ मेरा ले लेना, गिलास चाहिए, उसका गिलास नहीं मिल रहा उसको। एक है और ग्लास तो अंदर है तेरे पास? तो कलर ही उसको, तू उसमें पिलाएगा पता है मेरे को। क्या हरकतें कर रहा साले? अरे तूने डीमार्ट से लिया था ना? अरे अब भी अपन जब गए थे, ये सेम मेरे पास ही, सेम मेरे पास भी है। तू पिएगा ठंडा दूध बोर में डाल के? चल रूम में आ जा, घिस ले घिस ले, ले ले। मैं जा रहा नीचे, बाय। चलेगा साले मयंक? अरे यार क्या कर रहे हैं यार तुम, यार क्या खोल दो, सिंपल लगाया हुआ है तो खोलना नहीं आ रहा, खोलने को नहीं आ रहा। देखो सीनियरिटी किसके पास है? तो छोटा लगा, बच्चे हैं ये आजकल के बच्चे, किम्स छोटी बच्ची। अरे क्या कर रहा है यार, सीधा मुंह में डाल दे रहा। क्या कर रहा है? मैं शूट मेरे इसमें ब्लॉग में लेना आना चाहिए ऐसे करना। नहीं तो अब ऐसे शूट नहीं लेगा तू, हॉस्टल लाइफ गाइस। क्या बना रहा तू? दूध में रोटी तोड़ के फूल जाएगा उसके बाद खाने। मस्त खा से ना हो पाएगा। हाँ हो गया, हाँ हाँ चार में दम निकल गया। आ रही आदत नहीं है, आदत नहीं है। अरे ये ले, हनी मांग रहा था ना वो। अबे लिटरली बता रहा, 6 महीने से रखा हूँ,
एक बार भी खाया नहीं है, मतलब एक बार ही खाया अब तक इतना, मतलब क्या मतलब ख़राब हो जाएगा पता है, एक साल का एक्सपायरी होगा उसका। चल ठीक है, काफ़ी ना उतना मोरू ना, बहुत है। चल ठीक है, बाय बाय। ये मयंक को भेजो, बोला भी आएगा आएगा ना। कौन सा गाना गा रहा हूँ? अरे सारे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। यार ये दूध में ना मतलब ठंडा दूध लेके आओ और उसमें बोरमीटा डाल दो, बहुत खासी लगता है यार। मतलब वैसे दूध पसंद नहीं है मेरे को ज़्यादा, अच्छा लगता है नहीं मुझको, पर ये बोरमीटा वगैरह ठंडे दूध में बोरमीटा डाल के पीने को बहुत खासी लगता है ना, बहुत खासी, मतलब सेम चॉकलेट कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है एकदम सेम। चलो दूध वगैरह तो पी के ग्लास धोएगा कौन साले, चल ग्लास धो। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ग्लास धोना पड़ेगा मेरे को। ग्लास धोने पर से याद है वो बहुत सारे बर्तन धोने थे तो मैंने सारे बर्तन धो दिए। मयंक तो निकल गया वैसे, उसका भी मैंने मतलब ये एक हाथ ग्लास से क्या ही फर्क पड़ता है, वही धो दिया। तो अभी एक प्रॉब्लम मेरी ये हो गई है कि कवर में थोड़ी भी जगह नहीं बची कि मैं बर्तन रख सकूँ, देखना पड़ेगा कहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सारी जगह अलग अलग शिफ्ट में भर दूंगा मैं। यहाँ पर देखोगे तो कुछ ज़्यादा ही भर दिया मैंने सारा सामान, हाँ कुछ जगह नहीं बची है। देखते हैं वहाँ पे नीचे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे थोड़े से रख देंगे और बीच में एडजस्ट कर देंगे। चलो चलो चलो, अब बोल सकते हैं कि सब कुछ हो गया है, सारा 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 सामान गायब हो गया। चलो मैं ऊपर निकल लेता हूँ, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे एक घंटा बचा है, एक घंटे में मैं निकलने वाला हूँ। अरे यार मैं वापस रूम में आ गया, सोचा घर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा क्लीन शेव वगैरह हो जाऊँ, थोड़ा अच्छा लगेगा घर वालों को देखने के। चलो ट्रिम आउट तो कर लिया मैंने, अभी निकलते हैं थोड़ा अभी देख। अरे यार जूते रह गए यार पैक करना, जगह भी नहीं है। तो शूज़ किसी तरह एडजस्ट किया है मैंने ये, पर ठीक है। चलो अभी चलते हैं देखते हैं, अराउंड 45 मिनट्स में निकलने वाला हूँ मैं, तो देखते क्या चल रहा है बाकी सबका। हाउ इज़ ऑल गोइंग माय डियर फ्रेंड, दिस कैसे चल रहा है आपका बर्थडे? बढ़िया। क्या कर रहे हो टेबल पे? सोने नहीं मिल रहा है वही कर रहे हो आप पूरा दिन I don't know what's happening here in G5. All are trying to talk in English. We are not demotivated. Chai pine. My dear friends, I am coming in 2 minutes. Mayank, let's go drink some tea today. Last time. अबे साले 10 साल लगा रहा निकलने के लिए, हाँ? नहाया नहीं साले, ऐसे ही रहता था साले। शायद इधर सोता ही है ना, इतना बड़ा गड्ढा क्यों हो गया उसमें? कैसे? मेरा शरीर भारी है ना, इधर खाली रहता है। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे इसका शरीर भारी है, वाह वाह वाह, एकदम सही आर्या। अबे आर्या को देखा क्या? अबे इस अरे भाई छोड़ दे भाई, मिलते रहेंगे ठीक है। चल सबसे मिलके तो आ गया, ये सब आए हैं नीचे, देखते हैं क्या करेंगे। 100 रुपए निकल रहे हैं हम। अरे कोई कोई, चलो सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह भी हो गई है, बस निकल ही रहा हूँ मैं। याद करेगा अंतरिक्ष में तो बोलने के लिए आए बस। यार कितनी देर से रुके हुए हैं, मतलब रिक्शा मतलब 5 मिनट दिखा रही थी, अभी 20 मिनट होने आगे रिक्शा के लिए रुके हैं। क्या हुआ? आधे घंटे में तेरी बस है। अरे हाँ ना यार, आधे घंटे में ही 25 मिनट में, 25 मिनट में बस से निकलने के लिए, और ये अब तक रिक्शा वाला आ ही रहा है। चलो इंजन रिक्शा तो आ गई, जल्दी से निकलते हैं। चल हम रिक्शा में बैठ गए, ये आ रहे हैं नालायक छोड़ने आ रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं जस्ट, और वेट कर रहे हैं बस के लिए। इशू क्या हो गया कि मेरा चार्जर हॉस्टल में रह गया, मैं अपना फ़ोन चार्ज के लगाया था और जल्दी जल्दी मैं चार्जर निकाला, जल्दी से लेट हो रहा था बस के लिए इसलिए आ गया। तो मैंने अभी मयंक को बुलाया है, मयंक आ रहा है चार्जर लेके आ रहा है उसको, मैंने फालतू में इतना ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है उस बेचारे को, इतना आना पड़ रहा है। आई एम सो सॉरी मयंक। अरे यार ये सच में यार, ये मयंक चलते हुए आया यार इतना दूर से, वहाँ पर तू चलते हुए आया इधर तक? ऑटो नहीं मिल रही थी, मैं उधर से दौड़ के आया। क्या बात कर रहा साले। तो हमने एक एक आइसक्रीम ले ली यहाँ पे, बस अभी जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं हम लास्ट। अरे यार 10 ही दिन के लिए तो जा रहा हूँ यार, नहीं अरे मतलब 10 दिन बाद, अभी 10 दिन नहीं मिले हैं तो इसलिए वो लास्ट मोमेंट, 10 दिन का लास्ट मोमेंट।
हाँ लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन लगने के बहुत चांसेस हैं, तो क्या ही बोले, देखते हैं। तो इंडियन बस आ गई, चल बाय, मिलते हैं। चलो बाय, चलो चलो राज करो, बाय, चलो राज करो, राज करो, मिलते हैं। चलो इंडियन बस में बैठ गया हूँ मैं, अभी सेटल आउट भी हो गया हूँ, और ये रहा वो चार्जर जो मैं 2 किलोमीटर दौड़ के उसको देने के लिए आया था। क्या ही बताऊँ यार, मतलब उस बाहर आया रोड तक भागते भागते, उसके बाद वो रिक्शा के लिए ट्राई किया बुकिंग करना, सब मना कर रहे थे। उसके बाद उसने और वहाँ पर रास्ते में रिक्शा देखी, वो भी नहीं मिल रही थी उसको, ना बस मिल रही थी, तो वो लिटरली 2 किलोमीटर भागते आ गया। वो बस एक चार्जर दे, अभी मतलब वो जब चार्जर दिया उसने, तो मैं सोच रहा था इस चार्जर के लिए वो इतना 2 किलोमीटर भागते हुए आया। यार मेरे को पता नहीं था, मेरी बात नहीं हुई उससे कि वो कैसे आ रहा है, क्या ही बोले यार। तो जस्ट बस रुकी अपने स्टॉप पर, बहुत सो गया था मैं, मतलब लिटरली अभी उठ रहा हूँ। तो चलो होटल में आ गया, मैं बैठ गया हूँ, वेट कर रहा हूँ कि खाना आ जाए जल्दी से, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। यार ये अकेले ट्रैवल करने में सच में बहुत ज़्यादा बोर होता है, घंटालास आ गया है। तो अब मेरा ऑर्डर आ गया, एक वेज राइस बस, और कुछ नहीं मंगाया मैंने, ज़्यादा रात को गाड़ी में खाना नहीं चाहिए ना। तो हम रुके थे होटल राजहंस में, होटल का रिव्यू मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है ये होटल, मतलब साफ़ सफाई के मामले में तो बहुत ज़्यादा अच्छा, वॉशरूम्स वगैरह बहुत साफ़ थे, और खाने का टेस्ट भी अच्छा ही है। तो मैं रात को बस में चढ़ा, उसके बाद रात मैं जल्दी से आ गया बस में और सो गया लिटरली। उसके बाद मैं 2 बजे उठा और 2 बजे से अब तक जगे रहा हूँ। अराउंड बस 150 किलोमीटर से बचा है डिस्टेंस, अराउंड 3 घंटे का और जर्नी है, देखते हैं। बहुत मतलब तीव्रता हो रही है, अभी घर पर पहुँच जाऊँगा ना, यहाँ पे बस में कौन से अजीब लगने लगता है अभी पूरा, इतना टाइम हो गया ना। तो मैंने अपना सीट चेंज कर लिया, मैं सिंगल वाले पे बैठा था, अभी मैं डबल वाले पे शिफ्ट हो गया क्योंकि वहाँ पे जो है चार्जिंग पोर्ट है ना, काम नहीं कर रहा वहाँ वाला। मैंने अपना फ़ोन और चार्जर लिया ही नहीं, बेचारा मैं कितना लेके आया, मैं यहाँ पे रख के चल जाऊँगा, ठीक है ले लूँगा। अभी मैं ऐसे बैठ गया एडिटिंग के लिए, बस एडिटिंग कम्प्लीट कर लें और आज का ब्लॉग पोस्ट करते हैं। चलो चलो, अभी एडिटिंग भी हो चुकी है, अभी मैं जब पहुँचूंगा वो सारा आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर देना, नए चैनल में सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।